हेलो फ्रेंड्स, संदीप ऑटो वर्ल्ड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है होंडा आईवी टेक, तो इसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसके इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, जो जो भी पार्ट्स रहते हैं इसके, उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं इंजन से स्टार्ट करता हूँ। ये इसका इनलेट मैनिफोल्ड है। इनलेट मैनिफोल्ड का काम होता है कि एयर को अंदर लेना, एयर फिल्टर के जरिए जो बाहर से एयर आती है उसको एयर फिल्टर के थ्रू इनलेट मैनिफोल्ड में लेता है ये, और इंजन के अंदर जाता है। ये इसका इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल सप्लाई करता है। और ये इसका इंजन माउंटिंग है, जिसको ए माउंटिंग बोलते हैं, राइट साइड में होता है। और ठीक इसके नीचे, ये नीचे साइड में इसका बी माउंटिंग है, जो गेयरबॉक्स से कनेक्ट रहता है। और ये इसका अल्टरनेटर है, इसका अल्टरनेटर है जो बैटरी को चार्जिंग करता है। ये बेल्ट के थ्रू चलता है इंजन के साथ, बेल्ट से कनेक्ट होता है ये बेल्ट से। ये इसका अल्टरनेटर है। और ये मैं नीचे आ गया हूँ, ये इसका गेयरबॉक्स है, ये गेयरबॉक्स है, ये देख सकते हैं आप, इस पर लिखा भी है इंजन ऑयल। ये चैम्बर है इंजन का, ऑयल सम जिसको बोलते हैं, ऑयल चैम्बर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल आके रुकता है। और ये इसका सी माउंटिंग है, ये बैलेंस के लिए रहता है इंजन और गेयरबॉक्स के। और ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये सेंसर है, जो कि इसको किलोमीटर सेंसर बोलते हैं, जो हमारे मीटर में किलोमीटर की रीडिंग दिखाता है जब भी हम गाड़ी चलाते हैं। और ये इसका रेडिएटर है, इसका रेडिएटर है जो इंजन को ठंडा करता है। इसके अंदर जो इंजन का पानी वगैरह आता है उसको ठंडा करता है। और ये कूलेंट का डब्बा है। और इसका ये ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर। ये इसका एसी कंप्रेसर है। फ्रेंड्स, इसका मैं थोड़ा ब्रेक का खोला था सिस्टम, तो मैं सोचा इस पर थोड़ा वीडियो बना दूं। तो इस, ये आप देख सकते हैं, ये बैलेंस रॉड लिंकेज है जी, ये यहाँ पर आकर फिक्स होता है। तो ये ख़राब हो गया था दोस्त, इसको आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, जंप हो रहा है, ये लूज़ हो गया ये। तो इसको, ये ख़राब हो गया था तो गाड़ी में नॉइज़ आ रही थी, इसके लिए उसको चेंज कर रहे हैं हम। और ये इसका ब्रेक शू है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब कंडीशन हो गया है, बिल्कुल एंड पे चल रहा है, तो इसको भी चेंज करने वाले हैं। ये इसका शॉकअप है, ये इसका लोअर आर्म है, जिसको लोकल लैंग्वेज में कैची भी बोलते हैं, लोअर आर्म की कैची। ये इसका एक्सेल है। और ये इसका ब्रेक डिस है। दूसरा ये रहा, ये इसका स्टीयरिंग का टाई रोड एंड है। और ये स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है। और ये तो जैसे कि ये पूरा स्टीयरिंग रैक है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका कैलिपर है, ब्रेक कैलिपर, जो कि यहाँ पे आके फिक्स होता है। जब भी हम ब्रेक मारते हैं, जब भी ब्रेक मारते हैं तो ये पिस्टन ऑपरेट होता है, बाहर की तरफ आता है, और ब्रेक छोड़ने पे ये वापस अपनी जगह पे चले जाता है। ये इसका पिस्टन है। और फ्रेंड्स, ये इसका क्लच सिलेंडर है, ये वाला। जब भी हम क्लच दबाते हैं तो ये क्लच ऑपरेट होता है। इसका फॉर्क है,
ये बैटरी तो आपको मालूम होगा, ये बैटरी है। बैटरी जो गाड़ियों में, कार में जितनी भी बैटरी लगती है वो डीसी करंट फेंकती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट देता है अल्टरनेटर को गाड़ी स्टार्ट होने के लिए, और अल्टरनेटर एसी करंट फेंकता है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, और बताता चलूँ आपको, ये इसका ब्रेक का है, मास्टर सिलेंडर है ये, ये ब्रेक बूस्टर है, और ये क्लच सिलेंडर के लिए ऑयल लगता है। ये हाइड्रोलिक क्लच है तो उसके लिए इसमें ऑयल जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, छोटा सा बोले तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।